क्यों पूछ रहे हैं मैरी मी? अक जाओगे यार, मैं सब मैरिज मूरिज वाले प्लान मत करो, क्योंकि कैरेक्टर लेस का उल्टा होता है कैरेक्टर मोर। आई लव कि शहनाज गिल सबके दिलो दिमाग में बस चुकी। शहनाज, मैं आपसे इतने सारे क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ, मेरे गेस्ट हो तो पहले आप। अरे नहीं नहीं नहीं, इतना मत करो प्लीज, पहले आप। नहीं बाबा, ऐसे नहीं, इट्स नॉट करेक्ट, आप पहले आप। सी आई एम नॉट अ गुड लिसनर। तो एक काम करें, ऑडियंस से पूछ लेते हैं। बेस्ट बेस्ट, पहले आप। व्हाई इज शहनाज कॉल्ड सना? जब मैं पैदा हुई तो मेरे घर वालों ने मेरा नाम शहनाज रखा, तो उसके बाद उनको एक और नाम रखना पड़ा, क्योंकि उनको पता था शहनाज गिल तो ब्रांड बनने वाली है। अच्छा, तो बचपन से। तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए मेरा नाम सना भी रखा, कि एक नाम ब्रांड और एक थोड़ा कैजुअल। लेकिन आप किस नाम से ज्यादा मतलब रिलेट करते हो? ऑफ कोर्स अभी शहनाज गिल से करूंगी, क्योंकि शहनाज गिल सबके दिलो दिमाग में बस चुकी है। Is Masaba Gupta Neena Gupta's sister? Sister, friend, daughter, everything. Why is Shehnaz character more? तो character more इसलिए क्योंकि मैं character less नहीं हूँ ना। आप character more? More हूँ मैं, character more, क्योंकि character less का उल्टा होता है character more. Literal. I love her. Why is Masaba Gupta famous? बहुत मुश्किल होता है ना खुद के बारे में बोलना। क्यों? अरे मैं से सीखो, बोलो, अपनी तारीफ करो, मौका मिला है। ओके डन, शहनाज हैज सेड इट, आई एम गोना डू इट। मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनर हूँ, बहुत हार्ड वर्क करती हूँ एक्चुअली, और मैं अभी एक एक्टर भी हूँ, और मैं फेमस हूँ आई थिंक क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ। वेरी गुड, ऑनेस्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। विल शहनाज मैरी मी? अगर फैंस पूछ रहे तो हाँ ठीक है, भेजो अपना बायोडाटा, मुझे जेलना बहुत मुश्किल है, और मैं आई एम नॉट अ गुड लिसनर, मुझे सुनना पड़ेगा, मेरी 24 घंटे तारीफ करनी पड़ेगी, कितनी देर करेगा? क्यों पूछ रहे हैं मैरी मी? अक जाओगे यार, मैं सब मैरिज मूरिज वाले प्लान मत करो, मत करो, क्योंकि 24 घंटे मेरी बातें करनी पड़ेगी, और तुम अगर मेरी बात नहीं करोगे तो मैं निकल जाऊंगी अपने रास्ते। ओहो, इज मसाबा मसाबा अ ट्रू स्टोरी? मसाबा मसाबा आधी ट्रू स्टोरी है और आधी फिक्शनल स्टोरी है। जैसे कि सीजन वन में एक एक पार्ट है जहाँ पे मैंने एक फैशन शो किया था, एक बोट पे, सब इतने सिक हो गए क्योंकि हिल रही थी बोट, तो मॉडल को उल्टी आ गई, तो ये हो चुका है। मैंने आपसे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो पूछा ही नहीं, आप इतने अडोरेबल कैसे हो? मुझे लगता है मेरे को जो बात करनी है, मेरे दिल में जो होता है ना, मेरी निकली आती है, मतलब मेरे को बात वो मैं छुपा नहीं सकती कुछ भी, मेरे को वो बोल देती हूँ मैं अपने जो भी फ्रेंड्स है, फैमिली है, और चाहे कोई भी हो, सेट पे भी कोई हो, मैं नहीं छुपाती, मैं बोल देती हूँ। और मुझे, अरे तूने ऐसे क्यों बोल दिया, ऐसे नहीं बोलना था, क्यों नहीं बोलना था यार, पता लगना चाहिए सबको। हाँ। तो आप अडोरेबल भी हो, मैच्योर भी हो? मैच्योर तो बहुत मैच्योर। मैं बताना चाहती हूँ सबको कि मैं जब शहनाज से पहली बार मिली, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा मैं आपको मसाबा बुलाऊं कि दीदी? मैंने कहा कि दीदी क्यों बुलाओगे, मैं तो आपकी आपकी क्या एज है मैं पूछ सकती हूँ? 28। अच्छा, तो मैं आपसे बड़ी हूँ थोड़ी, लेकिन फिर भी आप मुझे मसाबा बुला सकते हो, और मुझे बहुत पसंद है आप जैसे मसाबा बुलाते हो। बट मुझे दीदी वाली फीलिंग क्यों आई? हाँ, क्योंकि वो एक रिस्पेक्ट आती है अकॉर्डिंग टू योर, नॉट एज की बात नहीं कर रही, काम में तेरे से बहुत ज्यादा बड़े है, तो इस वजह। लव लव। शहनाज, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका खुद का रियलिटी शो होता, हाँ, शहनाज शहनाज, हाँ, तो आप किस किस को कास्ट करती अपने शो में? मैं मतलब मेरे को थोड़ी ऑप्शंस मिल सकती है? हाँ, सलमान खान, हाँ, समांथा रुथ प्रभु, अच्छा, राणा डागुबट्टी, अच्छा, करीना कपूर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वाओ, आई थिंक मैं सबसे पहले बुलाती पंकज त्रिपाठी को, माय फेवरेट। यार मतलब आई लव द वे ही एक्ट, सेम, मतलब नेचुरल, मेरे को वो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर कोई यंग लड़की को बुलाना हो, यंग लड़की, यंग एक्ट्रेस में से किसी को बुलाना हो, शायद वो आपकी बहन का रोल हो, करीना कपूर खान।
हाँ स्वीट सही है डन। अच्छा मेरे को बताओ कि आपको कैसे ये थॉट आया कि मसाबा मसाबा शो करना है, किसका वो था आइडिया? हाँ एक्चुअली मेरा आइडिया तो था नहीं, अश्विनी आरडी जो हैं जो इस शो की प्रोड्यूसर हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करती थी, तो उनको लगा कि मेरा इंस्टाग्राम बहुत ही फनी विटी और कैजुअल रिलैक्स्ड ऑनेस्ट था, तो उन्होंने बोला कि इंडिया में कोई रियलिटी शो है ही नहीं। तो मैंने कहा मुझे रियलिटी शो नहीं करना है, मुझे बहुत डर लगता है रियलिटी शोज से। उन्होंने कहा कि नहीं ये फिक्शनल भी होगा रियलिटी भी होगा दोनों साथ में लेकिन स्क्रिप्टेड होगा। तो मैंने कहा कि ट्राई करते हैं क्योंकि मुझे पसंद है, नई अपॉर्चुनिटीज़ चैलेंज है, नई चीज़ें करनी चाहिए, सेम चीज़ करके तो कोई मतलब नहीं है। और मुझे एक्टिंग का बहुत शौक़ था बचपन से, तो मेरी वो भी एक ड्रीम पूरा हो गया। एंड या दैट्स इट। फिर तो हमने सीजन बना भी लिया, मुझे पता भी नहीं था कि नेटफ्लिक्स इसको कभी रिलीज़ करेगा, बट आ भी गया। सीजन 2 भी आ रहा है। स्वीट ना, सो स्वीट ऑफ नेटफ्लिक्स, थोड़ी तारीफ कर देते हैं इनकी। स्वीट ऑफ नेटफ्लिक्स, हाउ स्वीट। आपने मेरे बारे में नहीं ये सोचा कि शहनाज का कुछ करना चाहिए तुम? अभी मुझे क्रेडिट देना पड़ेगा, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर शहनाज। जब स्टार्ट हुआ और जब ये फेमस होने लगा तो वो कैसी फीलिंग थी? बहुत वियर्ड था क्योंकि मैं तो डिज़ाइनर हूँ, मतलब मैं अपना काम और मैं अपने काम से काम रखती हूँ, मुझे मतलब बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब फेमस होने लगा और लोगों को पसंद आया तो हम बहुत शॉक थे क्योंकि हमें पता नहीं था ये फॉर्मेट इंडिया में चलेगा, क्योंकि इंडिया में कहाँ, ग्लोबली भी ये फॉर्मेट वैसे तो है नहीं अच्छा इस तरह का। लेकिन बहुत खुशी हुई क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी। आपके मॉम के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। आपके मम्मा इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब मैं अभी सेट पे भी मिली, जैसे वो भी आर्टिस्ट है, आप भी आर्टिस्ट हो, तो मेरे कहने का मतलब कि आपको क्या सीखने को मिलता है कुछ एक्टिंग में, क्योंकि शी इज़ वेरी गुड एक्ट्रेस। आई थिंक जो मैंने सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उनसे सीखी है डिसिप्लिन। एक आर्टिस्ट का डिसिप्लिन होता है ना, और आपको मतलब कैसे इतने सारे लोग होते हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन फिर वो हार्ड वर्क और वो डिसिप्लिन, उनको मतलब डिसिप्लिन आता ही नहीं है। तो आई थिंक मैंने उनसे ये सीखा है कि जस्ट बिकॉज आप टैलेंटेड हो ये नहीं कि आप मतलब लेजी हो जाओ या आप मेहनत नहीं करो। तो मैंने उनसे ये सीखा है कि मेहनत, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो अपने करियर के पीक पे हो या करियर अच्छा भी ना जा रहा हो, मेहनत तो एक लेवल की रहनी चाहिए हमेशा। तो शहनाज आपने कहा कि आपके बड़े एक्टिव फॉलोअर्स हैं और डीएम्स भी आते हैं आपको काफ़ी सारे? बहुत सारे आते हैं सबको एक्चुअली, बहुत वियर्ड डीएम्स आते ही हैं। तो कुछ डीएम्स पढ़ते हैं जो लोगों को आए हैं और आप मुझे बताना कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। डन, ठीक है। डीएम नंबर 1, हाँ सॉरी ये टॉमी किसी के भी इनबॉक्स में आ जाता है, इसने परेशान तो नहीं किया? अरे ये तो आएगा, ये कहाँ रुकेगा, ये हर जगह जाएगा क्योंकि ये इतना वायरल हो चुका है। ये अब कहाँ रुकने वाला है, मैंने बोला ना अब मेरे पास भी है। डीएम, आई डोंट माइंड डेटिंग यू, चल आई विल बी योर बॉयफ्रेंड। तब एहसान कर रहे हो, मैं अगर मुझे ऐसा डीएम आए तो मैं बोलूँगी नहीं एहसान मत करो, चल आई बी योर बॉयफ्रेंड, नहीं मुझसे पूछो, यू आर अ स्वीट हार्ट, गुस्सा मत होना, तुम स्वीट भी हो और तुम्हारे पास हार्ट भी है। सच्चा ये, मेरे पास हार्ट भी है, मेरे पास सब कुछ है। और आप गुस्सा नहीं होते? बहुत गुस्सा तो आपने देखा नहीं है मेरा। ओहो, नेक्स्ट लेवल गुस्सा है मेरा। Next. तेरे साथ थिएटर जाके पिक्चर नहीं देखनी है। हाउ रूड। ये क्या था? बहुत रूड था। मुझे लगता है इसका कोई डबल मीनिंग है। आई थिंक कि जब बॉयज बोलते हैं ना कि चलो पिक्चर देखने जाते हैं, एक्चुअली उनको हाथ पकड़ना होता है। ओके तो मुझे तेरे साथ थिएटर जाके पिक्चर नहीं देखनी, तुम्हारा हाथ पकड़ना है, करेक्ट? हाय, मेरे बोर्ड की इंग्लिश में 95 नंबर आए हैं, ऐड कर लो प्लीज। अगर तो मतलब मुझे आया ये मैसेज, मैं कभी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मेरे कभी नहीं आते थे। ओहो, हाँ मैं पढ़ने लिखने में तो बहुत ही वो, तो मेरे को पढ़ाकुओं से वैसे भी डर लगता है, तो मेरे पास आना है तो मेरे से थोड़ा नॉलेज कम होनी चाहिए। 65% 40% प्लीज डीएम शहनाज। और अगर फेल भी हो गए तब भी डीएम करो, मस्ती मारेंगे फिर तो बिल्कुल ऐड कर लेंगी शहनाज। हाँ ऐड कर। तो यहाँ पे ही आपका ये राउंड खत्म होता है मैडम, DM round. Yes. So guys,
मत बोलना, मैं बताती हूँ. गाइज मसाबा मसाबा आ गया है सीजन टू, और प्लीज़ प्लीज़ मिस मत करना. प्लीज़ क्यों बोल रही हूँ यार, ज़बरदस्ती नहीं है, बट एक बार जरूर देखना, और अगर अच्छा लगे तो बार बार देखना. मैं गारंटी देती हूँ आप देखोगे, क्योंकि मैं भी देखती हूँ मसाबा का शो. सीजन वन देखा है, अब सीजन टू तो शुरुआत ही बहुत अच्छे से हो रही है. देखो मसाबा भी बहुत कुछ करने वाली है लाइफ में, तो और उसके बाद मैं करूँगी, पहले मसाबा कर ले बाद में मैं करूँगी. अब सीजन टू देख लेना प्लीज़. हाँ प्लीज़ क्यों बोल रही है शुनाज. देख लो, देखो अगर चाहिए देखो.